मुबारक ईद है, मुबारक ईद है, सब ईद मिल रहा है। चलो चलो, ईद का है यारो ये पयाम। ईद मुबारक। I'm Zul Karnain from the royal tribe of Tambura. Tambura? Yes. Assalamualaikum. Oh. Kitna rush hai bhai. Eid Mubarak. ये देखें भाई, सब लोग नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। मेरी तरफ से भाई आप सबको, आपकी फैमिली को भाई ईद मुबारक। मुबारक ईद है, ईद मुबारक। फाइनली गाइस, आज है ईद, तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। क्या भाई? ईद मुबारक। तो फाइनली गाइस, इंडिया में तो ईद आज नहीं है, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं जब ईद है, लेकिन हम लोग सऊदी अरेबिया में है, तो भाई एक दिन पहले ईद होती है। तो कैसा क्या एक्सपीरियंस होने वाला है आज, पूरा हम आपको दिखाने वाले हैं कि भाई सऊदी अरेबिया में ईद कैसे सेलिब्रेट होगी। तो फाइनली गाइस, कितना खुश हो भाई? बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली वो भी नमाज हम लोग मदीने में अदा करने जा रहे हैं। क्या बात है। तो अभी रात के बज रहे हैं, करीब 2:30 बज रहे हैं, और हम लोग अभी से जा रहे हैं क्योंकि भाई वहाँ पे इतना क्राउड हो जाएगा, और मुझे लगता है अभी भी हमें जगह नहीं मिल पाएगी। देखते हैं, चलते हैं फटाफट जगह देखते हैं। और आज का पूरा हम सेलिब्रेट करने वाले हैं ईद, वो भी सऊदी अरेबिया में। इंडिया में नहीं, हर बार तो मैं इंडिया में करता था, लेकिन अब की बार मौका मिला है सऊदी अरेबिया में। तो चलो भाई, इंडिया वालों देखो वीडियो, क्योंकि तुम हमसे एक दिन के बाद ईद सेलिब्रेट करोगे। तो पहले फटाफट देखो सब तैयार हो चुका मैं, ब्लैक, ये व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये ब्लू कुर्ता। मैं कैसा लग रहा हूँ ये बताओ? मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो फाइनली फटाफट चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और ले चलते हैं आपको सीधा मदीना शरीफ, क्योंकि नमाज जो है फजर की बात होगी। तो फटाफट यहाँ से पहले निकलते हैं, चलो चले। तो भाई साहब, हमको यहाँ पर टैक्सी मिल चुकी है, जो कि हमें 3-3 रियाल में ना ले जाएगी सीधा हरम शरीफ। आ जाओ 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 फटाफट। चलो भाई, वैसे ही बहुत लेट हो गए। हाँ भाई, पहचान भाई, 3-3 रियाल में हमें ले जाएंगे। चलो चलो, जाओ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बहुत लेट हो गया भाई। चलो फटाफट चलते हैं, अब देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या है, देखते हैं भाई। आज तो भाई कितना खुश हो यार। हाँ? बहुत ज्यादा। चलो चलते हैं फटाफट, एक एक रियाल की क्या लालच करनी है। चलिए चलिए चलिए, ईद मुबारक आपको भी। चले भाई, चले। तो ये वाला रास्ता जो है ना पूरा लॉक कर दिया पुलिस वालों ने, तो लोग देखो कहाँ नीचे हाईवे से जा रहे हैं। ये देखो भाई, ये नीचे का रास्ता देखो, नीचे से जा रहे हैं, ऊपर वाला पूरा लॉक है, तो वहाँ से लोग कूद कूद के नीचे आ रहे हैं। ये देखें, देखो भाई, हम लोग आ रहे थे शॉर्टकट रास्ते से, और भाई उधर पुलिस वाले आ गए, सबको वापस भेज रहे। देखो सब लोग, हम लोग हाईवे में खड़े, अब पुलिस वाला आ रहा है भाई। ये देखें, ये भी रास्ता हम लोग क्लोज हो गया भाई। ये देखो, वो पुलिस वाले पूरे आ रहे हैं भाई, वीडियो बना रहा है उधर से। चलो 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 चलो, निकलो 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 भाई निकलो। लगता है भाई आज हम लोग नमाज नहीं पढ़ पाएंगे भाई। इधर यार एंट्री नहीं हो रही, और हम लोग बस वहाँ से पैदल 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 चले जा रहे हैं टनल के रास्ते से, सब लोग पैदल ही जा रहे हैं यार। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। I'm Zul Karnain from the royal tribe of Tambura. Tambura? Yes. Assalamualaikum, brother. Waalaikum assalam. Eid Mubarak. Eid Mubarak. He's the imam of the Hijab youth. Yes. So finally, guys, सारे लोग struggle कर रहे हैं, क्योंकि यार वहाँ एक timing है, सब पूरा रास्ता क्लोज कर दिया है भाई साहब। देखो अंडरग्राउंड टनल के रास्ते से जा रहा है, और भाई काफी यार, मतलब यार क्या बताऊँ, मतलब 4 घंटा पहले हम लोग गए, उसके बाद भी जगह नहीं मिल पा रही। चलो देखते हैं कैसा क्या सफर होता है। ये सारे लोग टनल के रास्ते से जा रहे हैं, कुछ लोग तो अंदर घुस गए, कुछ लोग टनल के रास्ते से सीधे चले जा रहे हैं। देखो इधर देखो, इधर देखो, देखते हैं कैसा क्या हो पाता है, और देखते हैं क्या नमाज पढ़ पाएंगे अंदर, नहीं पढ़ पाएंगे, ये बड़ा सस्पेंस है भाई। तो अभी गाइस काफ़ी बचते बचाते हम यहाँ तक आ चुके, और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ओ भाई आप देखते हैं यहाँ से भाई लगता है पूरा लॉक कर दिया है, अंदर जाने की एंट्री नहीं है, क्योंकि हम लोग शायद काफ़ी लेट हो गए यहाँ तक। तो थैंक गॉड हम लोग आ चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाकी देखते हैं क्या जगह मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। लोग तो यहाँ पे ही जयनमाज बिठा के नमाज पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। देखो यहीं पे जयनमाज बिछी हुई है, देखें। मुझे तो नहीं लगता कि भाई अब यहाँ जगह मिल पाएगी हमें, यहीं कहीं पर अपना मसल्ला बिछाना पड़ेगा हमें। ये देखो, देख रहे हैं, इसके आगे तो जाने नहीं दे रहे। ये देखो पूरा रोड जैम है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ रोड में ही लोगों ने मसल्ला बिछा लिया अपना अपना। देखो क्योंकि अंदर तो भाई जाने ही नहीं दे रहा। ये देखो हमारे पास मसल्ला भी नहीं है। तो अभी यार जयनमाज जाके ले आए हम, एक मसल्ला लाए
एक भाई लेके आए। अभी रोड पे ही हम लोग बैठ गए हैं क्योंकि अब अंदर तो एंट्री नहीं होगी। सारे लोग जितने भी लोग हैं ना देखो सब लोग रोड पे ही बैठे, तो हम भी यहाँ पे बैठ गए। कम से कम जगह तो मेरे पास चले, ये भी हाउसफुल है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने को ना मिले। तो फाइनली बैठ गए, तो अब देखते हैं, वेट करते हैं फजर की नमाज़ का, देन उसके बाद जुमा की होगी, तो देखते हैं कितना क्या है। बाकी बैठ गए, सब लोग बैठेंगे। देखो इधर ये भाई लोग बैठे हैं और पीछे देखो इधर सब लोग क्राउड पूरा बैठा हुआ। 10 रियाल की हमें ये जनमाज़ पड़ी है यहाँ पर, 10 रियाल की। मुबारक ईद है ईद का यारो ये पयाम। तो फाइनली गाइस नमाज वगैरह हो गई है, ईद मुकम्मल हुई, तो आप सबको भाई ईद मुबारक। ये देखो भाई सबको ईद मिल रहा है। चलो चलो हम लोग ले लो। हाँ भाई मिलो, ईद मिलो। ये देखो भाई सब लोग ईद मिल रहे हैं यहाँ पे। हो गई है नमाज और मेरी तरफ से भाई आप सबको, आपकी फैमिली को भाई ईद मुबारक। बाकी देखो सब लोग यार गले मिल रहे हैं एक दूसरे से, बाकी सब लोग मिल चुके हैं अभी, तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा क्या आज का दिन मेरा होने वाला है मदीना शरीफ में। लाइफ में पहली बार मैंने मदीना शरीफ में मतलब यानी सऊदी अरेबिया में भाई ईद सेलिब्रेट की है अपने घर से दूर। तो अभी यार हमने तो भाई नमाज जो है बाहर पढ़ी है, तो अभी फटाफट चलते हैं अंदर। रश देखो माशाल्लाह कितना है कि भाई आज खुशी का दिन है, पूरे 30 रोजे रखने के बाद ईद आई है, तो भाई सब खुश हैं। हालांकि मैंने जो है ना 31 रोजे रखे, अभी मैं इंडिया से आया था, रोजे रखे 31 रोजे पूरे हो गए। बाकी आप रश देखो मदीना शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में देखो भाई कितना ज़्यादा रश है भाई। ये देखें देख रहे हैं, ये भाई ईद की खुशी, ये देखें देख रहे हैं। तो आप रश देखें, ओहो हो हो कितना रश है भाई, देख रहे हैं रश देखिए भाई। ओहो जब भी तो भाई जगह नहीं मिली अंदर नमाज पढ़ने की, आप समझ में आए इतना भीड़ है। ये देखो ये देखें भाई सब लोग नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने रूम के लिए जा रहे हैं भाई, घर के लिए। ये देखें, ये देखो भाई मुबारक। हाँ फोन लगा सुझाव बता रहा था बार बार, तब गया ये मोबाइल चला, हैंग कर रहा है। अच्छा, बार बार इधर उधर इधर उधर। फाइनली भाई मिल चुके हैं, बहुत ढूंढ रहा था मैं, पता कहाँ किस साइड किस साइड है। अब भीड़ में खड़े देखो, भीड़ के बीच में। चलो अंदर चलो। फाइनली गाइस सब कुछ अच्छे से हो गया, बस यार अब की बार यार मैं अपने इंडिया की ईद को भाई बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, क्योंकि यार लाइफ में पहली बार आउट ऑफ कंट्री आया हूँ और सऊदी अरेबिया की ईद सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और यार पता है यहाँ उतना मज़ा नहीं है ईद में जितना हमारे इंडिया में होता है। इंडिया में क्या होता है, ईद के बाद हम लोग घर घर जाते हैं, सेवैयाँ खाते हैं, इन्जॉयमेंट होता है। यहाँ पता क्या होता है, क्योंकि यहाँ सारे वर्कर लोग होते हैं इंडिया के, नमाज़ पढ़े, खाना ना खाया, सो गए, उसके बाद कोई सेवैयाँ नहीं, कुछ नहीं बना रहे, इक्का दुक्का होते हैं जो बनाते हैं, बाकी तो खाना पीना खा के सो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो घूमने आते हैं, बाकी बहुत रेयर केस में जो लोग घूमने आते हैं, बाकी तो नहीं जाते मुझे लगता है। तो अभी तो मैं हरम शरीफ में घूम रहा हूँ, अभी देखते हैं कैसा क्या सीन है, उसके बाद हम भी जाकर सो जाएंगे, क्या करेंगे। या तो अब मुझे को यहाँ से मदीना से अब निकलना भी है, क्योंकि मेरा मकसद था कि भाई मदीना शरीफ में ईद करूँ, तमन्ना थी यार ईद करने की। तो देखो अभी तो क्या ना ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि अब जो लोग उमरा पे आए थे वो ज़्यादा अब यहाँ से निकल जाएंगे, वो भी लोग सब जो रुके थे ना वो सब ईद के लिए रुके थे। तो चलो बाकी गर्म बहुत हो रही है, तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा जहाँ पे जन्नतुल बकी साइड ना उस साइड जा रहा हूँ मैं। तो जब तक रमज़ान था भाई यहाँ पे इतनी चहल पहल थी, इतनी चहल पहल थी, और देखो रमज़ान ख़त्म होते साथ ईद आई और यहाँ पे चहल पहल कम हो गई। देखो बहुत कम यार, यहाँ पता है पैर रखने की जगह तक नहीं होती थी गाइस, देख रहे हैं। फाइनली चलो अभी यहाँ से फटाफट बाहर निकल रहे हैं, काफ़ी घूमा यार, क्योंकि यार यहाँ की ईद ना ऐसे ही होती है, नमाज़ पढ़ने के बाद कोई नहीं दिखता, सब अपने अपने रूम चले जाते हैं, सोते होते रहते हैं। अपने इंडिया में क्या होता है यार, ईद के बाद सब लोग हम लोग घर घर जाते हैं, सिवैयाँ खाते हैं, वो माहौल यहाँ नहीं होता भाई, यहाँ खाना ना खा के आराम से सो जाते हैं सारे लोग। तो चलो अभी हम फटाफट मैं भी यहाँ से रूम निकल रहा हूँ, ताकि देखो यार पूरा यार जो रौनक थी चहल पहल थी ना वो ख़त्म हो चुकी है, बाकी देख सकते हैं। क्योंकि आज मेरे को भी यहाँ से निकलना है मदीना शरीफ से, लास्ट डे है मेरा भी यहाँ पे। ये देखो सब लोग जा रहे हैं भाई, जो जो लोग आए थे बाहर से वो सब निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये इस जगह पे ना 30 दिन से कंटिन्यू
रोज़ा अफ्तार होते थे भाई, अब यहाँ आज से ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा। तो चलो अभी मैं चल रहा हूँ रूम पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि सऊदी में जो लोग होते हैं ना उनकी ईद कैसे होती है। सब सो रहे होंगे, देखना सब सो रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद जाते हैं आराम से, खाना ना खाया और सो जाते, यही ईद होती परदेसियों की भाई, पता नहीं। चलो इंडिया की ईद अलग ही होती है, अलग लेवल वाली ईद होती है। तो अभी फटाफट रूम चलते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा, सब सो रहे होंगे, देखना सोने वाले तो फोन चला रहे होंगे या तो लेटे होंगे। जाते जाते ये खूबसूरत व्यू चेक कर लीजिए आप, ये देखें देखें। मैंने कहा चलता हूँ तो आपको दिखाता चलूँ मदीना शरीफ की खूबसूरती, ये देखें। ईद हो गई है मगर मेरे को लग रहा है कि मैं अभी रोज़ा हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ खाया नहीं, पानी भी गला वैसे सूख रहा है, मतलब लग रहा है, फील हो रहा है कि मैं अभी रोज़ा हूँ और असर के बाद मगरिब में रोज़ा खोलूँगा, वैसे वाली फीलिंग आ रही रोज़े वाले, क्योंकि अभी ना हैबिट नहीं है, तीन चार दिन ना पूरा ऐसी रूटीन नहीं लगता है, लगेगा कि हाँ भाई रोज़ा हूँ रोज़ा हूँ रोज़ा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे सब सिस्टम बैठ जाएगा, लेकिन अभी फीलिंग आ रही है कि मैं हाँ रोज़ा हूँ, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा खाने को भी नहीं मिला ना यहाँ पे, घर में मतलब सिवैयाँ वैयाँ दही भले छोले चलता, लेकिन यहाँ पे तो खाने से काम चलाना पड़ा। चलो चलते हैं। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ से निकल चुके हैं, ईद मुबारक, ईद मुबारक, नो हॉलीडे, नो हॉलीडे, मालूम नहीं, नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, रेस्ट 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 रेस्ट, फैमिली ईद सेलिब्रेटिव, मालूम नहीं यार इनको, मालूम नहीं, मतलब देखो आज ईद का दिन है फिर भी भाई गाड़ी चला रहे, देख रहे हो, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलो भाई ने देखो मतलब क्या आज ईद का दिन है और सऊदी लोग में क्या होता है ना कि ईद बकरीद रमज़ान ये फेस्टिवल मनाते हैं ज़्यादातर ये लोग, लेकिन आज ईद का दिन है फिर भी देखो आज ये गाड़ी चला रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप। तो चलो फटाफट चलते हैं हमारे रूम में, दिखाते हैं भाई सो रहे होंगे, मतलब हमारे वहाँ तो भाई ईद में क्या होता है घूमो घूमो, लेकिन यहाँ खाओ नमाज पढ़ो सो जाओ। चलो ईद मुबारक ऑन यूट्यूब, यूट्यूब, फेसबुक, मुबारक। अच्छा लगता है यार, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, चलो भाई ईद मुबारक। देखो मैं कैंप आ गया ना, सिर्फ चप्पल ही चप्पल दिख रही है, देखो कोई नहीं है, सब सो रहे हैं भाई, ये देखो एक, देखो ये सो रहा है भाई आज, हाँ भाई ये इंडिया में होता तो अब तक जा जाके सिवाई खा रहा होता ना। यहाँ देखो साले कमाता तू, तू ही दिला साले, तू बड़ा है। एक देखो यहाँ सो रहा, सऊदी में कमाई ये करता, ईदे मुझसे मांग रहा, आज इंडिया में होता कल सिमैये खाता उठ उठ गया। ये देखो आज जिंदगी देखो इनकी, एक ये देखो ये सो रहा, ये देखो मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने क्या बोला था कि जो सऊदी में जो लाइफ होती ना, सुबह नमाज पढ़ने के बाद खाना खा लेंगे उसके बाद सो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, क्या हम तो भाई का इंतजार कर रहे थे भाई। अरे इंतजार तो हम ईद ही लेंगे तुमसे बेटे, हम भाई का इंतजार कर रहे थे, कब अभी अभी, अभी 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 आधार कार्ड निकलेगा, चलो आधार कार्ड भी डाल लो, अभी अभी आधार कार्ड निकलेगा, आधार कार्ड की तो कुछ भी वैल्यू ना है यहाँ, ठीक है अभी अभी देख रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली गाइस रूम पे आ चुके हैं, उधर एक भाई सो रहा, इधर एक भाई सो रहा, तो मैं तो भाई दबा कर घूम के आया हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग मिल गए थे, तो आराम से बैठ के बातचीत किया, उनको वीडियो में नहीं लिया, बातचीत हुई, उसके बाद वो लोग अपने चले गए, मैं इधर आ गया। तो यही था यार ओवरऑल ईद, ये इंडिया में होता तो मस्ती मजाक, दोस्तों क्रिकेट वगैरह खेलते, तुम्हारा सिवैयाँ छोले दही बल्ले खाते रहते, इनको देखो जिंदगी ये परदेसियों की जिंदगी है, परदेसियों की ईद, अब आराम चौड़े से मैं भी सोऊंगा भाई, ठीक है, क्योंकि आज तो मैं यहाँ रहूँगा, सुबह कल मैं भी निकलूँगा यहाँ से अल कसीम के लिए, ठीक है। तो फाइनली गाइस आज की इस प्यारे से वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक, हमारी तरफ से, क्योंकि ये वीडियो कल आएगा तो जब इंडिया में ईद है, तो आप वीडियो देख रहे हैं और ये इंडिया में ईद है, तो आप सबको आपकी फैमिली को ईद मुबारक।